हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 अप्रैल ईद को अजय देवगन की मैदान फिल्म रिलीज हुई थी, जो आज बॉक्स ऑफिस पर अपना नवा दिन कंप्लीट कर रही है। जी हां, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैदान फिल्म के टोटल 9 दिनों के कलेक्शन के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी मैदान फिल्म के लीड कैरेक्टर में अजय देवगन के साथ प्रिया मणि और गजराज राव नजर आए हैं। मैदान एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसके ट्रेलर से ही फैंस में जबरदस्त हाइप देखने को मिली थी। ऊपर से अजय देवगन की फिल्म है तो ऑडियंस का एक्साइटेड होना तो लाजमी सी बात है। लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज तो फैंस की तरफ से मैदान को वो प्यार नहीं मिला जो इसके ट्रेलर को मिला था, और कलेक्शन भी अभी तक के ठीक ठाक ही रहे। मैदान के क्लेश में बड़े मियां छोटे मियां भी सेम डे रिलीज हुई थी, हो सकता है इस वजह से मैदान के कलेक्शन में थोड़ा असर पड़ रहा है। बात करें मैदान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो शुरुआती 7 दिनों में 37 करोड़ 35 लाख और वर्ल्ड वाइड से 66 करोड़ 15 लाख की कमाई मैदान अपने 1 वीक में कर पाई थी। वहीं कल डे 8 पर इंडिया नेट से 1 करोड़ 80 लाख और वर्ल्ड वाइड से 2 करोड़ कल का कलेक्शन हुआ था। वहीं आज डे 9 का प्रेडिक्शन है इंडिया नेट से 1 करोड़ 40 लाख और वर्ल्ड वाइड से 1 करोड़ 73 लाख आज की कमाई बताई जा रही है। इसी के साथ मैदान का टोटल 9 दिनों का कलेक्शन इंडिया नेट से 40 करोड़ 35 लाख और वर्ल्ड वाइड से लगभग 70 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। जबकि मैदान का बजट 150 करोड़ था, लेकिन अभी तक अपने बजट की भी रिकवरी नहीं कर पाई। अजय देवगन की ये फिल्म फ्लॉप होने की कगार पर है। वेल गाइज, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं।